क्या स्पोकन इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है? डोंट वरी, मैं हूं ना स्पोकन इंग्लिश से क्या सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आरके कैंपस ऐप। सो दिस इज आरके राव एंड वेलकम टू आरके कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो। इन दिस वीडियो में हम लोग बहुत ही कुछ डिफरेंट सीखने जा रहे हैं। सो व्हाट्स देयर मीन्स, देखिए कुछ स्ट्रक्चर बनाए हमने। व्हाट्स देयर, व्हाट्स देयर का मीन है, मीनिंग है, अर्थ है, इसमें वाली बात क्या है, इसमें वाली बात क्या है। व्हाट्स देयर मीन्स इसमें वाली बात क्या है। सो देखिए, इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है। अब वाली बात और इसमें की इंग्लिश हमारी क्या होगी? Was there, इसकी हमारी इंग्लिश क्या होगी? Was there, इसकी हमारी इंग्लिश क्या हो जाएगी? Was there, यानी कि इसमें वाली बात क्या है। फिर आता है हमारे पास वर्ब, यानी कि टू लगाएंगे हम लोग और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले इसमें वाली बात क्या है, इसकी इंग्लिश लगाएंगे, इसकी इंग्लिश हमारी होगी Was there। What is there का हमने कॉन्ट्रेक्शन कर दिया है Was there, या What is there भी आप लिख सकते हैं इसमें। What is there, ये भी आप लिख सकते हैं, इसका कॉन्ट्रेक्शन कर दिया, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। कोशिश करो इंग्लिश बोलने की, जो है ना, कॉन्ट्रेक्शन में बोलने की कोशिश कीजिएगा। So was there to shout, यानी कि टू लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चिल्लाना, क्राई भी कह सकते हैं आप, साउट भी कह सकते हैं। सो वॉस दया टू साउट, इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है, इसमें चिंता करने वाली बात क्या है, वही है। सबसे पहले हम लोग इसमें और वाली बात क्या है की इंग्लिश लगाएंगे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वॉस देयर, वॉस देयर, इसमें वाली बात क्या है, चिंता, टू लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू वरी, वॉस देयर टू वरी, इसमें चिंता वाली बात क्या है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है इसमें खुश होने वाली बात क्या है। सबसे पहले इसमें होने वाली बात क्या है, इसकी इंग्लिश लगाएंगे, इसकी इंग्लिश हमारी होगी, स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वॉस देयर, वॉस देयर, और फिर हम लोग टू लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लगाएंगे और फिर खुशी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हैप्पी, वॉस देयर टू बी हैप्पी, इसमें खुश होने वाली बात क्या है, इसमें खुश होने वाली बात क्या है। नेक्स्ट आती है इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है। सबसे पहले इसमें होने वाली बात की इंग्लिश लगाएंगे वॉस देयर टू गेट एंग्री, इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है, इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है। नेक्स्ट आता है भाई हमारा इसमें उदास होने वाली बात क्या है। तो इसमें होने वाली बात क्या है कि इंग्लिश लगाएंगे, उसकी हमारी इंग्लिश होगी वॉस देयर, ठीक है ना, और फिर हम लोग टू लगाएंगे और बी, ठीक है ना, सैड, या आप अपसेट भी लिख सकते हैं, आप सेट, वॉस देयर टू बी अपसेट, वॉस देयर टू बी सेट, इसमें उदास होने वाली बात क्या है। इज इट क्लियर? ओके, आप देखिए भाई, यही बात हम लोग जब पास्ट में कहेंगे, उसमें क्या कहा था कि इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है, और इसमें क्या आ जाएगी, इसमें चिल्लाने वाली बात क्या थी, इसमें वाली बात क्या थी, इसमें पास्ट आ जाएगा। वहां पे व्हाट के बाद में क्या आया था? इज आया था, क्योंकि प्रेजेंट था, ये पास्ट है, तो इसमें वाज आ जाएगा, सिर्फ यही डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे क्या था, इसमें वाली बात क्या है आया था और इसमें था आ रहा है, ठीक है ना, बस ये डिफरेंस है। सो व्हाट वाज देयर मींस इसमें वाली बात क्या थी, इसमें चिल्लाने वाली बात क्या थी, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनेगा, व्हाट वाज देयर मींस इसमें वाली बात क्या थी।
वो ये वर्ब टू लगाएंगे, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वास सॉरी ये वाज है, व्हाट वाज दे आर, व्हाट वाज दे आर टू साउथ, व्हाट वाज दे आर टू साउथ। नेक्स्ट है भी, इसमें रोने वाली क्या बात थी। सो इसमें वाली क्या बात थी कि इंग्लिश हम लोग करेंगे व्हाट वाज दे आर, व्हाट वाज दे आर वाली क्या बात थी टू वीप, रोने वाली, इसमें रोने वाली बात क्या थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, टू लगाएंगे और फिर हम लोग इसमें वी वन लगा देंगे। इसमें शर्माने वाली क्या बात थी। सो व्हाट वाज दे आर, व्हाट वाज दे आर टू सी, इसमें शर्माने वाली क्या बात थी। इसमें हंसने वाली क्या बात थी, व्हाट वाज दे आर, व्हाट वाज दे आर टू लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाफ, व्हाट वाज दे आर टू लाफ, इसमें हंसने वाली बात क्या थी। इसमें खुश होने वाली बात क्या थी। सो व्हाट वाज दे आर, व्हाट वाज दे आर इसमें होने वाली बात क्या थी, टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी इसमें खुश होने वाली बात क्या थी। सो गाइस, इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, और स्पोकन इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिएगा जब भी आपको मौका मिले, अपने दोस्तों के साथ, घर में, परिवार में। सो यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। सो मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, जानकारी देने वाला लगा हो, और आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरी जो है ना वीडियोज आपके पास आ सकें, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर व वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।